हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट। टेक्स्ट बुक में मैंने आपको ये आपकी फर्स्ट पोइम पढ़ाई थी, वेदर द माइंड इज़ विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित की कविता, बहुत सुंदर कविता, जिसकी मैंने पीडीएफ के साथ टेक्स्ट भी भेजी थी। तो ज़्यादातर बच्चों के पास बुक्स हो ही गई होंगी, नहीं होंगी तो, अगर नहीं ली होंगी तो उस टेक्स्ट को संभाल के रखिएगा, उससे पढ़िएगा जब तक। और ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कराई है आपकी 3 सेगमेंट में, जिसमें 2 कंप्लीट करा ली हैं मैंने, कर दी हैं आपके लिए, और 1 आपको होमवर्क में करनी है। तो पहला क्वेश्चन बनता है ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू गो टू द कॉन्टेस्ट। इसका पहला जो स्टेटमेंट है बुक में से वो, वेदर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब बच्चों होता है आपसी झगड़े, कला, भाई भाई के बीच झगड़ा। हाउ डू दीज वॉल्स रिड्यूस द वर्ड इनटू फ्रेगमेंट्स, किस तरह से ये झगड़े बड़े बड़े बन जाते हैं, तो संसार को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए ये झगड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है सी वॉट काइंड ऑफ वर्ड वुड वी हैव इफ दीज वॉल्स डिड नॉट एग्जिस्ट, किस तरह के झगड़े नहीं होंगे या किस तरह का वर्ड होगा अगर ये झगड़े नहीं होंगे संसार में। तो बताया इफ़ दीज वॉल्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड विल फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। अगर इस तरह के झगड़े संसार में नहीं होंगे तो ये संसार खुशियों से और आनंद से भरा हुआ होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द एवर वाइंडिंग थॉट ऑफ एक्शन, किस तरह से कवि कहता है कि मेरे देशवासी जो है वो मेरे देश को अच्छा बनाने के लिए एक्शन करें। तो कवि कहता है द पोएट इंडिकेट्स अबाउट द माइंड ऑफ द सन ऑफ द कंट्री लेट्स हियर। तो वो किससे कह रहा है? तो किससे कह रहा है? तो भारत माँ के सपूतों से कह रहा है, भारत माँ के लालों से कह रहा है। कौन? कवि। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन आता, हु इज बीइंग एड्रेस्ड टू दी, इस दी का मतलब क्या है? व्हाट रोल डज द पोएट विश टू प्ले? तो इस दी का मतलब है गॉड, और रॉयल और जो पोएट का रोल है वो कंट्री मैन को अवेक करने का था, वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ इसलिए मैंने दूसरी बार नहीं लिखा। तो यहाँ पर रेफर किया जा रहा है गॉड को, भगवान को बताया जा रहा है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि मेरे देशवासियों को अच्छा कर। नेक्स्ट इसका लास्ट है सी सेगमेंट में, देखिए बच्चों, व्हाट डज द फ्रेज इवन वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, किस तरह से क्रियाकलाप करें? तो द पोएट कहता है, द पोएट means that it means that the wish that the poet wish for the countrymen, देशवासियों के लिए कहता है, देशवासियों के से इच्छा रखता है, टू प्रे, भगवान से प्रार्थना करता है, टू मेक हिज सन, कि उसके बेटों को और उसकी बेटियों को ज़्यादा सेंसिबल बनाए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनाए और ग्रेट बनाए, ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए ज़्यादा अच्छे से देर तक काम करते रहें। इस तरह से ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, फिल इन द ब्लैंक्स, पीडीएफ देखकर या बुक देखकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। यू कैन बी एबल टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बाय द हेल्प ऑफ द बुक और द पीवी और द पीडीएफ आई हैव सेंड टू यू विद द टेक्स्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन वेयर द नॉलेज इज फ्री? तो ज्ञान फ्री है, इस बात का क्या मतलब है? तो इसमें लेखक बताता है, कभी बताता है, द नॉलेज इज़ रियली फ्री इफ़ यू हैव मच मनी और टाइम। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास समय है, तो यू कैन अचीव एनी गोल ऑफ नॉलेज। आप कोई भी परीक्षा पास करते हो, कोई भी डिग्री हासिल करते हो, कोई भी कोर्स हासिल कर सकते हो, अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, समय और पैसा। भारत के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी कोने में आप कोई भी एजुकेशन, यू कैन बी एबल टू हैंडल इट, यू कैन बी एबल टू अचीव इट इफ़ यू हैव मनी एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, व्हाई वुड द पोएट आइडियल कंट्री बी हेवन ऑफ फ्रीडम, किस तरह से लेखक क्या कभी जो चाहता है
स्वतंत्र भारत का निर्माता है, स्वतंत्र स्वर्ग का निर्माता बनाना। देन इट मीन्स द पोएट लव्स द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से बहुत प्रेम करता है और मातृभूमि से भी प्रेम करता है, इसीलिए इस प्रेम के कारण वो इस देश को स्वर्ग बनाना चाहता है। रियली रियली व्हाट अ लव फॉर द कंट्री फ्रॉम द पोएट। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई। तो इंग्लिश के भी बच्चों अलंकार होते हैं, 7 तरह के अलंकार 12th लेवल तक हैं। तो इसमें हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, जब बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहाँ पर हाइपरबोलिक या अतिशयोक्ति अलंकार होता है, दैट इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द फ्रेज लेट माई कंट्री अवेक, किस तरह से लेखक क्या कहना चाहता है कि मेरी देशवासियों को जागृत कर। वॉट स्टेटमेंट द कंट्री इधर, और इससे पहले देश कैसा था। फॉर बींग लव फॉर द कंट्री, देश से प्रेम होने के कारण ही कभी ऐसा कह रहा है। द पोएट वॉन्ट्स इट्स पीपल टू अवेयर, और वो देश अपने देशवासियों को जागृत करने को कह रहा है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जिम्मेदारियाँ राष्ट्र के लिए क्या है वो समझने को कह रहा है। द कंट्री वॉज वेरी अन ईवन एंड सिंपल अर्लियर, इससे पहले देश हमारा बहुत कमज़ोर सा था या उसकी कल्पना में है, पर ऐसा वास्तव में नहीं है। अगर हमारे देश वासी आज भी जागृत हो जाएं, देश के लिए संघर्ष करें, तो उसकी तुलना में पिछले समय को तो कमज़ोरी कहा जाएगा ना, वही लेखक कहना चाहता है। हु डू यू थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक द पोएम इज़ एड्रेस टू, किसको ये कविता एड्रेस्ड है, किससे कही जा रही है, किसके लिए बात की जा रही है। तो मैं पहले ही बताया हमने, ये गॉड के लिए, अलमाइटी के लिए, भगवान से प्रार्थना की जा रही है। इट इज़ अ प्रे फ्रॉम गॉड टू द कंट्री एंड द कंट्रीमैन फ्रॉम द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर। इस तरह से बच्चों ये आज आपका फर्स्ट टेक्स्ट पोएम कंप्लीट हो गया। इसके साथ एक दो और एक्सरसाइज है, वो आप आसानी से कर सकते हो, अगर आप अपने आप करना चाहो तो कर लीजिएगा वो। ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टर्न नेक्स्ट लेसन।